नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन और आप सभी का आज की वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो खास है क्योंकि आप देख रहे होंगे मैं किस अनोखी जगह में आया हुआ हूं। मैं अकेला निकला हूं यहां के कनाडा के जंगलों में जहां अभी बर्फ पड़ी हुई है। मेरा ना घूमने का बहुत ज़्यादा ही मन था यार, मैं ना और अकेला कुछ ज़्यादा ही बोर हो गया था। जैसे मैं GTA में घुसा, टाइम ही नहीं मिल रहा है क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही थी। अब भी फील्स लाइक -20 है। मैंने देखा और मेरा दिमाग खराब, -20 है। मैंने कहा देखो अपना जो फियर है, मेरा खुद का एक फियर था कि ठंड में मुझे बहुत ऐसा लगता है कि ठंड में किसी दिन मर जाऊंगा मैं, तो मेरा बिगेस्ट फियर ही कोल्ड है। इसलिए अपने फियर को चैलेंज करने के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। वैसे बहुत रीजंस के चक्कर में इस देश में आया और वो सारे रीजंस और वो सारे डिसीजन मुझे लगता है मेरे बेस्ट रहे यहाँ आने के। कितना प्यारा मौसम और पीछे का प्यारा सा बैकग्राउंड, एंड फाइनली मुझे एक ट्रैक पैड मिल गया है चलने के लिए। तो चलते चलते बात करते हैं यार। देखो व्हेन यू आर कमिंग टू दिस ब्यूटीफुल कंट्री और स्पेशली जब आप किसी कोर्स को लेकर आते हैं, कॉलेज में ले आते हैं, तो आपको कुछ सच्चाइयों के बारे में बता देता हूँ। पहला, अगर आपको लगता होगा कि आपको फॉरेन कंट्री में आकर फॉरेन लोगों के साथ ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, तो आई मस्ट टेल यू इन अ वेरी क्लियर वे, मोस्टली आप इंडियन के साथ ही पढ़ने वाले। जनता बहुत 95% ऑलमोस्ट जनता हर कोर्स में इंडियंस की ही होती है, ठीक है। तो इन दी एंड आप अपने ही बंदों के साथ पढ़ने वाले हो फॉर श्योर शॉट, ठीक है। क्योंकि इतनी अपनी पॉपुलेशन यार, हमें चाइना को बीट कर दिया, फकिंग शिट मैन, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आप सोचो सही, लाइफ और हम बहुत ज़्यादा ही तरक्की कर रहे हैं। आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, अगर हमारी कंट्री का हर एक बंदा फील फ्री हार्ड वर्क करे, उसको सही अपॉर्चुनिटी दी जाए ना, सो आई एम टेलिंग यू वन ट्रूथ, अपने देश का मैच ही नहीं है यारो, मैच ही नहीं है। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू दिस। आप बाहर जाकर आप रियलाइज करते हो आवर कंट्री इज लिटरली पावरफुल। हम टैक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, आई एम लिटरली टेलिंग यू। हमारा जो इंटरनेट है बहुत ज़्यादा ही सस्ता है, इंडिया का इंटरनेट बहुत सस्ता है, कॉलिंग बहुत सस्ती है, यहाँ कॉलिंग इंटरनेट इज वेरी 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 एक्सपेंसिव, आई एम टेलिंग यू यार। बट जब आप कॉलेज लाइफ में आएंगे आप यहाँ पर, तो आपने ना ये जरूर ट्राई करना है कि यार फील फ्री टू वर्क हार्ड, जितने तरह क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन करो यार। पढ़ाई लिखाई के सिवा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जितनी ज़्यादा आप कर पाएंगे करना चाहेंगे, आई मस्ट टेल यू फील फ्री टू गो ज्वाइन एवरीथिंग, डू एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ज़्यादा। मैं तो ये कहूँगा पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी यारो, यहाँ आके अगर आपने कम्युनिटीज़ में नहीं जुड़े, लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल नहीं सुधारी, तो आपकी एजुकेशन वेस्ट है। पहली बात तो इट्स वेरी 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 इजी टू पास इन दिस कंट्री, एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत आसान है। मेरे लिए तो मुझे लगता नहीं इस ज़्यादा आसान सिस्टम हो सकता है। सो रेगुलर हार्ड वर्क, हर काम का मार्क्स है, हर छोटे काम की वैल्यू है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे तो फिर आप क्या ही कर रहे हैं यार। गिव 200% टू योर कॉलेज लाइफ और उस टाइम ना अर्निंग पे कम ध्यान देना, नॉलेज और बाकी चीज़ों पे, ज्ञान बहुत ज़रूरी है, सही तरीके का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। आपको पर्सनली प्रोफेशनली ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए एक एथिक्स डेवलप कीजिए यार। यहाँ पर आके अनएथिकल तो बिल्कुल भी बनने की मत सोचिए, दैट्स वेरी बैड। आप जब भी आप एक अनएथिकल रूट अपनाते हैं किसी भी काम के लिए, तो आप एक खुद आई थिंक माई बैटरी इज अबाउट टू डाई, शिट, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप अपने एक अनएथिकल रूट अपनाते हैं, तो आप अपने साथ साथ अपने देश का नाम भी ख़राब करते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कोई भी भारतीय इस देश में आने के बाद कोई अनएथिकल रूट अपनाए। फील फ्री टू वर्क हार्ड, इन्जॉय कीजिए, अपने समय को सही से व्यतीत कीजिए, अच्छे लोगों के संपर्क में आइए, आगे बढ़िए और
दूसरों को भी बढ़ाते रहिए, दूसरे की टांग मत खींचिए यार। इफ यू कांट सपोर्ट देन कीप क्वाइट। लैग पुलिंग नहीं करनी है किसी को। बाकी आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ आई होगी। सो जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।